यूनिवर्सल सेट। तो लिखो इसके बारे में, सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द डिस्कशन सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द डिस्कशन इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। मतलब हम क्वेश्चन में डिस्कशन करते वक्त जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो जिस सेट में प्रेजेंट है वो सेट कहलाता है वहां पे यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल है जिसमें तीन सेट्स का डिस्कशन हो रहा है, जैसे सेट ए, फिर उसके बाद सेट बी एंड सेट सी, ठीक है, इनका डिस्कशन हो रहा है। तो अब हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे U1 लिख रहा हूं, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है, U2 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड U3 में 1 2 3 4 6 7 8। तो ये बताना इनमें से कौन सा इसका यूनिवर्सल सेट होगा और कौन सा नहीं होगा। पहला होगा क्या? यस सर, होगा। डिस्कशन में एलिमेंट्स देख लो कौन से 1 2 3 4 5। तो पहला इसका यूनिवर्सल सेट होगा। दूसरा होगा क्या? यस सर, यस सर। डिस्कशन वाले सारे एलिमेंट्स उसमें आ रहे हैं, उससे ज्यादा भी होंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डिस्कशन में जितने हैं उतने तो होने ही चाहिए। तो वो है 1 2 3 4 5 है, भले ही आगे कितने भी हो एक्स्ट्रा वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी है। अब ये U3 है क्या? नो सर, नो सर, तो नहीं है U3। 5 मिसिंग है, ठीक है। तो इसके वजह से U3 को हम इसका यूनिवर्सल सेट नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ABC अगर ये गिवन है तो इसके इनफाइनाइट यूनिवर्सल सेट्स बन सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है, उसमें 1 2 3 4 5 तो होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ भी डाल दो अंदर चल जाएगा, तो इनफाइनाइट आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। डिस्कशन में जितने भी एलिमेंट्स जिस सेट में आ रहे हैं उसको हम कहेंगे उसका यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो उसके बाद है अब अलजेब्रा ऑफ टू सेट्स या ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। तो इसमें सबसे पहले है यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। और इसमें लिख लेना, इसको हम लैंग्वेज में अगर और आ रहा है तब भी क्या लेना, यूनियन। हम ये देख चुके हैं इसमें, जब यूनियन लेते थे हम वहां पे इंटरवल्स में, तो वहां पे कौन सा वर्ड रहता था, और रहता था ना, तो इसकी वजह से यूनियन लेते थे, तो और मतलब यूनियन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है यूनियन में, दो सेट की बात चल रही तो ए और बी दो सेट लेके चल रहे हैं हम यहां पे, contains elements which are present in at least one of A and B, which are present in at least one of A and B,
एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी ऐसे कर लेना, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सेट्स, वन ऑफ द टू सेट्स ए एंड बी, ठीक है, मतलब दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, तो ये यूनियन आ जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, एंड इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगा ए यूनियन बी का, तो ये देख लो कैसे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे, जो आइदर ए में है या फिर बी में है, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, मतलब दोनों में से किसी एक में होगा तो वो यूनियन में आएगा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे एग्जांपल 1, 2, 3, 4 और बी में है 3, 4, 5, 6, तो अगर मैं यहाँ पे ए यूनियन बी लिख रहा हूं तो ये इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो दोनों में से किसी एक में आ रहा वो एलिमेंट्स आएंगे, जैसे वन वो ए में है बी में नहीं है लेकिन दोनों में से किसी एक में है तो वो आएगा, सेम टू हो जाएगा, थ्री दोनों में है दिक्कत नहीं, दोनों में से किसी एक में होगा तो आने वाला है तो दोनों में होना तो दिक्कत नहीं आ ही जाएगा वो, ऐसे फोर फाइव बी में है लेकिन ए में नहीं है तो यूनियन में तो आएगा ही क्योंकि दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, ऐसे ही सिक्स, तो ये ए यूनियन बी में आ जाएंगे एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। Yes, और यही क्या हम स्मॉलेस्ट सेट बोल सकते हैं क्या, जो ए और बी के सारे एलिमेंट्स को कंटेन करता है इसको, स्मॉलेस्ट सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी बोल सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि इससे बड़ा सेट भी हो सकता है, जैसे ये वाला इधर ही देख लो, ये भी तो सेट है जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट, यहाँ पे तीन सेट से मान लो जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, और ये भी वो सेट है जिसमें ए बी सी के सारे एलिमेंट्स आते हैं, तो सबसे छोटा सेट कौन सा, ये वाला, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी से, तीनों के यूनियन से, ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे। फिर नेक्स्ट इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, और यहां पे एंड है तो इसमें लिख लेना इट कंटेन्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ ए एंड बी, मतलब एक तरीके से दोनों के कॉमन एलिमेंट्स इसमें आएंगे, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, एंड यहां पे इसका सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स किसमें बिलोंग करना चाहिए, ए में, एंड एक्स बी में भी बिलोंग करना चाहिए, मतलब दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। फिर एग्जांपल यही है, इसके पहले जो यूनियन में हमने लिया था इसमें 1, 2, 3, 4 बी में है 3, 4, 5, 6, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स आएंगे वो कौन से, 3 और 4, क्योंकि यही दो एलिमेंट्स है जो दोनों में प्रेजेंट है, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, तो इंटरसेक्शन मीन्स उन दोनों में होना चाहिए उसको, अगर दो का इंटरसेक्शन ले रहे तो, तीन का ले रहे तो तीनों में होना चाहिए तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। लिख लो इसको जल्दी से,
ठीक है, नेक्स्ट है अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, थर्ड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स तो इसमें देख लो, सबसे पहला हम देखते हैं ए माइनस बी, तो इसको हम ओनली ए भी कह सकते हैं लैंग्वेज के फॉर्म में, अगर इसको रीड करना है तो ओनली ए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ ए में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेना इसको, इट कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन, विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स ए माइनस बी में आएंगे तो लैंग्वेज में इसको बोलना है तो क्या रहेगा, ओनली ए रहेगा, मतलब सिर्फ ए में आने वाले एलिमेंट, सिर्फ ए। फिर इसके बाद इसको अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है सेट बिल्डर से, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, बी में बिलोंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड डिफरेंस बी माइनस ए का ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ओनली बी, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इट कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, ठीक है। तो सेट बिल्डर लिख लो इसका, x belongs to b and x does not belongs to a, ठीक है। हो गया, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट एक तीसरा डिफरेंस होता है, तीसरा डिफरेंस वो रहता है a डेल्टा b, a डेल्टा b, इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। इसमें कौन से एलिमेंट्स आते हैं वो लिख लो, इट कंटेन्स, इसको लिख लेना ओनली इन वन सेट, एलिमेंट्स प्रेजेंट ओनली इन वन सेट, ओनली इन वन सेट। तो इसमें आएगा इट कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन, विच आर प्रेजेंट इन ए और बी बट नॉट प्रेजेंट इन, नॉट प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में नहीं होना चाहिए, ए में चलेगा बी में चलेगा बट दोनों में नहीं चलेगा, तो इसकी वजह से ये क्या है ओनली इन वन सेट वाले एलिमेंट्स। तो इसको देख लो अगर लिखना है तो x such that x belongs to a, x belongs to b and x does not belongs to, क्या आ जाएगा a intersection b, क्लियर है, yes। तो एग्जाम्पल ये वाला, इससे हमें बताना a माइनस बी और ये क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4, b में एलिमेंट्स है 3 4 5 6, तो हमें बताना a माइनस बी में क्या रहेगा, b माइनस a में क्या रहेगा एंड a डेल्टा b में क्या रहेगा, जल्दी से। a माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वन टू, क्योंकि यही तो ऐसे एलिमेंट्स है जो सिर्फ ए में है, तीन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या हो रहा है, वो बी में भी आ रहा है, उसकी वजह से हम उसको नहीं ले सकते, और फोर की अगर बात करेंगे तो वो भी बी में आ रहा है, तो इसमें ए माइनस बी में सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, वन टू। बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, फाइव सिक्स, है कि नहीं,
एंड ए डेल्टा बी में, जो ए में है बी में है बट दोनों में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स हमें चाहिए, तो इसका मतलब वो कौन से एलिमेंट्स है, 1, 2, 5, 6, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम क्या इसको ये बोल सकते हैं, क्या ये ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा? तीन का नहीं आएगा अनुष्का, डिफरेंस आएगा तो दो का, ए माइनस बी माइनस सी ये कोई ऐसी डिफाइन चीज नहीं है, ठीक है। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं। हो गया? Yes. ठीक है, नेक्स्ट अब है कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ चल रहा है ना, ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है, तो ये देख लेना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट मीन्स ये ए डैश से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे लिख लो पहले, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, और उसको डिनोट इससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए डैश या तो ए के ऊपर सी, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स, तो वही है यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 और ए मान लो इसी में आता है, इसी का सबसेट है, तो इसमें 1, 2, 3, 4 या 1, 2, 3 से, और हमें अब क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट जब हम निकालेंगे तो वो क्या आता है, 4, 5 यूनिवर्सल के एलिमेंट्स बट वो ए में नहीं होने चाहिए, ए के नहीं होने चाहिए, तो 1, 2, 3, 4 इसको छोड़ के यूनिवर्सल के बचे हुए एलिमेंट्स, तो ये आएंगे इसमें। हाँ, U माइनस ए कह सकते हैं उसको, कौशल U माइनस ए यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है, हो गया? किसी का बाकी क्या लिखना है? ठीक है, एक लास्ट है अब इसमें, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, तो इसमें है टू सेट्स आर सेट टू बी डिसजॉइंट, are said to be disjoint if two sets a and b, kar lena, two sets a and b are said to be disjoint if a intersection b is equal to 5, मतलब दोनों में अगर कुछ भी कॉमन चीजें नहीं आ रही है तो ऐसे सेट्स को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट्स इफ ए इंटरसेक्शन बी 5,
तो ये हो गया अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में। यूनियन में क्या होता है उसका मीनिंग, एटलीस्ट किसी एक सेट में आना चाहिए। ऐसे यूनियन अब तीन सेट का हो सकता है, इंटरसेक्शन भी तीन सेट्स का हो सकता है, लेकिन डिफरेंस वगैरह तीन सेट के नहीं आते, डिफरेंस हमेशा दो के रहते हैं। ठीक है, उनको देना होगा तो फिर वो ऐसे देंगे। एक एग्जांपल लिख लो यहाँ पे, ए में है 1 2 3 4 5, ठीक है, बी में है 2 3 4, सी में है 1 2 4 5 6, ठीक है। अब हमें यह निकालना है ए माइनस बी यूनियन सी, पहले में, सेकेंड में ए माइनस बी, इसको ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस सी निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से बताओ इनमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे। पहले में बी यूनियन सी में एलिमेंट्स देख लो कौन से 1 2 3 4 5 6, और ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिल रहा है क्या जो ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है? क्योंकि ऐसे ही तो एलिमेंट्स ए माइनस बी यूनियन सी में आएंगे। पहले वाले का आंसर क्या आने वाला है? 5, सही है कौशल। सभी लोगों को दिख गया क्या? यस सर। क्योंकि देख लो यहाँ पे बी यूनियन सी जब हम निकालेंगे उसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 एंड ए में एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, और इसका मीनिंग क्या रहता है जो ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है, क्योंकि ए में से इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है, तो ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं है। हम अगर ए का कोई भी एलिमेंट कंसिडर करते हैं तो वो बी यूनियन सी में है, therefore a minus b union c, a minus b union c कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। सेकेंड का सही है? नहीं, सेकेंड का हाँ, बहुत बढ़िया। सभी लोगों को आगे आयुष का छोड़ के, आयुष का गलत है, आर्या गलत आ रहा है, सेकंड तुम्हारा, क्योंकि हमें अब देख लो पहले क्या करना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में एलिमेंट्स देख लो कौन से आएंगे, ए माइनस बी पहले निकालना है, तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 आएगा एंड 5 आएगा ए माइनस बी में, 1 and 5। अब हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए a माइनस बी में से माइनस सी करना है ना, c में एलिमेंट्स 1 2 कौन से आगे 4 5 6 4 5 6, तो अब हमें क्या चाहिए, a माइनस बी में होना चाहिए लेकिन c में नहीं होना चाहिए, यही तो इसका मीनिंग है। ये a माइनस बी भी एक सेट रहेगा, है कि नहीं, a माइनस बी एक सेट रहेगा, ठीक, और ये सी भी एक सेट है, इसका मतलब यहाँ पे हमें कौन से एलिमेंट्स जो इसमें है लेकिन सी में नहीं है, तो देख लो इसमें कौन से एलिमेंट्स 1 5, वो सी में भी प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसका भी आंसर क्या है 5 है। क्लियर है ये? सेकंड सर इधर ये फिर से बता दीजिए क्या क्या नहीं समझा इसमें, ये बता दो सर, वो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए माइनस बी सर, वो फिर आ जाएंगे 1 और 5, फिर 1 5 माइनस सी हम करना है, मतलब जो 1 और 5 प्रेजेंट है वो उस सेट में और सी में नहीं प्रेजेंट है,
पहले वहां पे क्या लिखिए डेफिनेशन, ये देख लो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। सेम चीज यहाँ पे, अब ए माइनस बी को ही एक सेट बोला गया है, तो मान लो इसकी जगह पे हमने डी ले लिया, तो डी माइनस सी, जो डी में है, जो डी में है लेकिन सी में नहीं है, ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, जो डी में है लेकिन सी में नहीं है, और डी में कौन से एलिमेंट्स है, 1 5, तो उन्हीं के बारे में हमें सोचना है सिर्फ, तो 1 5 तो सी में भी दिख रहे हैं हमें, तो ऐसा कोई एलिमेंट डी में आता है क्या जो सी में प्रेजेंट है, जो सी में नहीं प्रेजेंट है, सॉरी जो सी में नहीं प्रेजेंट है, ऐसा कोई एलिमेंट डी में है क्या? नो सर, जो सिर्फ डी में है सी में नहीं है, नहीं है। जब हम 1 की भी बात करेंगे तो 1 सी में है, 5 की बात करेंगे तो वो भी सी में है, तो इसकी वजह से ये क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। यस सर, थैंक यू। थर्ड में क्या था, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये देख लो, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें एलिमेंट्स 2 3 4, हाँ सही है, 2 3 4। फिर उसके बाद निकालो बी इंटरसेक्शन सी, कौन से एलिमेंट्स आने वाले हैं, 2 4, सिर्फ 2 एलिमेंट्स आएंगे, 2 4 है क्या, नहीं 2 4। अब उसके बाद इनका लेना है हमें यूनियन, तो यूनियन मतलब दोनों में से किसी एक सेट में होने वाले एलिमेंट्स यूनियन में आएंगे, तो 2 3 4, इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या, नहीं ना। फिर उसके बाद अब क्या करना है हमें, पहले ए यूनियन सी निकालना है, तो ए यूनियन सी मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6, उसका इंटरसेक्शन लेना है अब किसके साथ, बी के साथ, तो कॉमन एलिमेंट्स तो कौन से है उसमें, 2 3 4, क्लियर है। अभी डी मॉर्गन्स थ्योरम किसी और चीज में आती है अभिषेक, डी मॉर्गन्स थ्योरम किसी में दूसरे में आती है, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक एग्जांपल मैंने लिया है, ये लॉ भी हम देखने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें हमेशा सेम रहती है, ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी एंड ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से हम बोल सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए तो इस तरीके से करेंगे, क्लियर है ये। हाँ, कॉम्प्लीमेंट का होता है डी मॉर्गन लॉ, चलो ठीक है, ये हो गया। यस, नेक्स्ट है अब हमारा वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ठीक है, वेन डायग्राम, तो उसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, एंड इसके अंदर में जो सेट्स आते हैं, मतलब जो डिस्कशन में सेट्स आते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से, ठीक है। वेन डायग्राम में रेक्टेंगल मींस क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, मतलब इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सारे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स इसमें आएंगे, एंड मान लो डिस्कशन में सेट ए है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल से, तो इसके इस सर्कल के अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, तो ये पहली वाली वेन डायग्राम इसी की है, सेट ए की, ये यूनिवर्सल सेट, ये
ए आ जाएगा सेट, ये सर्कल सेट ए का रहेगा, इसका मतलब इसके अंदर के जो एलिमेंट्स है वही हमारा सेट ए है, ठीक है। फिर उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बताओ तो तुम। ये शेडेड रीजन मींस जो हमें रीजन चाहिए एक्चुअल में वो रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सेट ए चाहिए था तो यही सेट ए का रीजन है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगी वेन डायग्राम? आउटर रीजन ऑफ सेट ए, ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल है कि नहीं, ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल आ जाएगा। तो देख लो ये रीजन आने वाला है ए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग यही होता है, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए, तो ए को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, ये ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। ये तो हो गया अब एक एक सेट के बारे में, अब हम दो दो सेट लेते हैं डिस्कशन में, तो उसमें वेन डायग्राम कौन सी बनानी पड़ती है वो देख लेते हैं। ये दोनों बना ली? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अब आ जाते हैं थर्ड में, ए यूनियन बी, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट है कि नहीं, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट। लिस्ट वन सेट, तो पहले तो इसमें ये जो डायग्राम आती है इसको थोड़ा देख लेते हैं, कौन सा रीजन कौन से एलिमेंट को कंटेन करता है। इसमें दो सेट्स आएंगे और दो सेट्स की वेन डायग्राम जनरली ऐसी बनती है जब तक और कुछ गिवन नहीं रहेगा इसके बारे में, मतलब ए बी का सबसेट या दोनों डिसजॉइंट, इस तरीके की चीजें अगर नहीं गिवन रहेगी तो ये वेन डायग्राम बनानी हमें इंटरसेक्ट करते हुए दोनों सर्कल्स, ठीक है। अब ये जो सर्कल है, ये जो रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो ए में आ रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे जो बी में आ रहे हैं, ठीक। अब ये वाला रीजन बताओ तुम, इसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इस ब्लू वाले में कौन से एलिमेंट्स? बोथ ए एंड बी। ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स, मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन है ये, है कि नहीं है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी मीन्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, कम से कम एक सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो यही पूरी उसकी वेन डायग्राम आएगी ये सर्कल वाले, है कि नहीं। बनाओ जल्दी से, फिर उसके बाद ये वेन डायग्राम फटाफट बना के दिखाओ, ए इंटरसेक्शन बी, फिर फिफ्थ में ए माइनस बी, बी माइनस ए, जल्दी से इनकी वेन डायग्राम्स बनाओ। चलो हो गए, ठीक है। पहले वाले का वो रीजन तो इसमें हम देख ही चुके, इसमें इस वाले वेन डायग्राम में तो वो रीजन आता है ये वाला, ठीक है। ए माइनस बी मीन्स जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ओनली ए भी कह सकते हैं, तो ओनली ए का रीजन कौन सा आएगा यहाँ पे, ये वाला रीजन आएगा,
क्योंकि अगर हमने ये रीजन ले लिया तो ये एलिमेंट्स बी में भी आते हैं, तो ये हमें नहीं चाहिए, सिर्फ ए के एलिमेंट चाहिए, तो ये रीजन है उसका, ये वेन डायग्राम बनेगी। एंड बी माइनस ए की जो वेन डायग्राम बनेगी ओनली बी वाली, वो वेन डायग्राम वो वेन डायग्राम आएगी ये वाली, ठीक है, ये बी, ये बी, ये ओनली ए और ये ओनली बी, यही बनेगी क्या वेन डायग्राम? यस सर, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो जाए तो ये वाले वेन डायग्राम बनाओ, तो सेवेंथ में ए डेल्टा बी, एट में इसकी ए यूनियन बी की, व्हेन ए इज सबसेट ऑफ बी, तो जल्दी से वेन डायग्राम्स बनाओ। सर वो नाइंथ में क्या है? क्या सर वो नाइंथ में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, नाइंथ में ए यूनियन बी व्हेन ए इंटरसेक्शन बी फाई है, हो गए। ठीक है, तो पहला वाला, पहले वाले में क्या है, या तो ए में होने चाहिए या बी में होने चाहिए, बट दोनों में नहीं होने चाहिए, तो ये एक तरीके से क्या है, ओनली ए वाले की वेन डायग्राम, तो ये ओनली इन वन सेट, तो ये उसमें ओनली ए वाला भी आएगा एंड ओनली बी वाला भी आएगा, तो ये वाला रीजन है इसका, ए डेल्टा बी का, क्लियर है। फिर अगले में अगर ए बी का सबसेट है तो इसमें दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हुए आएंगे क्या? नो सर, एक दूसरे के अंदर लाई करेगा, है ना? बी बड़ा होगा एंड ए छोटा होगा, क्लियर है। यहाँ पे जो बी आएगा वो बड़ा सर्कल आएगा और ए छोटा सर्कल हो जाएगा, तो हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी चाहिए था, मतलब वो किसके इक्वल आएगा? ए यूनियन बी,
बी के इक्वल ना, बी बड़ा है ना रे, है कि नहीं? ए इंटरसेक्शन बी नहीं पूछा है, अगर ए इंटरसेक्शन बी होता तो क्या आ जाता? ए आ जाता, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, लेकिन ए यूनियन बी मीन्स दोनों में से किसी एक में होने चाहिए, तो वो पूरा आ जाएगा, तो बी सर्कल ही बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी फाइव, मतलब दोनों डिसजॉइंट सेट से, तो उनकी वेन डायग्राम ऐसी बनती है, और यहाँ पे ए यूनियन बी चाहिए, तो दोनों में से किसी एक में होना चाहिए, तो देख लो ये वाला भी सर्कल आ जाएगा एंड ये भी सर्कल आ जाएगा। ठीक है, इसमें ए माइनस बी किसके इक्वल रहता? नाइन्थ में ए माइनस बी, ए के इक्वल। अब उसके बाद ये वाला बनाना है, तो इसमें ए की वेन डायग्राम में भी तुम बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब गंदा डायग्राम, अच्छी नहीं दिखेगी। तो क्या करते हैं हम, इसमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनाते हैं, तो वो देख लो ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम, उसमें बी भी रहने देते हैं, तो ये ए वाला सर्कल छोड़ के, ए वाला सर्कल छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल, मतलब ये रीजन आ जाएगा, ये वाला भी रीजन होगा। ठीक है, अब उसके बाद बी की वेन डायग्राम, तो बी के सर्कल पूरा आ जाए, बी का सर्कल आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। तो इसमें अब हमें क्या चाहिए, इनका इंटरसेक्शन लेना है, मतलब जो दोनों वेन डायग्राम में कॉमन शेडेड रीजन है वो हमें चाहिए। तो कॉमन शेडेड रीजन दोनों वेन डायग्राम में कौन सा दिख रहा है? क्या ये वाला रीजन ले सकते हैं? यही है क्या ना सिर्फ? क्योंकि ये वाला जो रीजन है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर हम इस रीजन की बात करते हैं, वो तो सिर्फ इधर प्रेजेंट है बी में, लेकिन वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। एंड बाहर वाले रीजन की बात करेंगे तो वो सिर्फ ए कॉम्प्लीमेंट में है, बी में नहीं है। तो इसकी वजह से जब इसकी हम वेन डायग्राम बनाएंगे इनके इंटरसेक्शन की, तो वो क्या आएगी, उसमें सिर्फ ये वाला रीजन आएगा। क्लियर है, बी माइनस ए वाला। कोई डाउट किसी को? ऐसे ही अगले वाली वेन डायग्राम, तो उसमें पहले किसकी बनाएंगे, ए की बनाएंगे, देन बी कॉम्प्लीमेंट की बनाएंगे। तो देख लो ये हो गया। Yes. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ए की बनाते हैं वेन डायग्राम, तो उसमें सिर्फ ए का सर्कल आएगा ये पूरा, एंड बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स बी को छोड़ के बाकी पूरा यूनिवर्सल। तो ये ए, ये बी, ये बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए था यहाँ पे, ये बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये पूरा रीजन आने वाला है। क्लियर है, अब दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन। यूनियन मतलब दोनों में से किसी एक में भी अगर वो शेडेड रीजन आ रहा है तो वो यूनियन में आएगा। तो इसके बारे में बताओ जरा, क्या हम ये रीजन यूनियन में ले सकते हैं क्या? यस सर। भले ही वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो है, किसी एक में है तो वो यूनियन में आएगा। फिर उसके बाद ये वाला रीजन ले सकते हैं, वो दोनों में है। बाहर वाला रीजन बताओ, यस ले सकते हैं, है कि नहीं? दोनों में से किसी एक में होना चाहिए था, तो बाहर वाला रीजन इधर आता है ना, तो यूनियन में आएगा। क्लियर, तो ये इसकी वेन डायग्राम है, ये ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर।
चलो ये तो हो गया आप दो दो के बारे में, अब ऐसे तीन तीन का भी देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली वेन डायग्राम है, 12th नंबर चल रहा है ना, ये 11th था। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका भी मीनिंग क्या है, तीनों में से एटलीस्ट किसी एक में होना चाहिए। प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो तो लैंग्वेज में आने वाले हैं, उस लैंग्वेज को ही हमें इसमें कन्वर्ट करना है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट वन सेट, ठीक है। तो पहले तो इस वेन डायग्राम को हम देख लेते हैं कि कौन सा रीजन कौन से एलिमेंट को कंटेन करता है। ये ए, ये बी, ये सी। तो ये जो सर्कल है पहला वाला, ये किसको कंटेन करेगा, तो ए के एलिमेंट्स को, ए सेट में आने वाले एलिमेंट्स। ये रीजन है वो किसको कंटेन करता है, बी सेट में आने वाले एलिमेंट्स। एंड ये जो तीसरा सर्कल है किसको कंटेन करता है, सी सेट में आने वाले एलिमेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद हम दोनों में आने वाले कॉमन एलिमेंट्स, ये रीजन किसको कंटेन करता है बताओ, इंटरसेक्शन बी मीन्स ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट्स को, ये वाला अंदर वाले रीजन की, क्या ये तीनों सर्कल में प्रेजेंट है क्या? Yes, sir. है ना, तो वो किसको कंटेन करेगा, तीनों के कॉमन एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसमें वो पूरे सर आना, पूरे रीजन आने वाला है, ठीक है। तो ये इसकी वेन डायग्राम है, तो इसी की हेल्प से अब जल्दी से इसकी वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद 14th में एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एटलीस्ट टू सेट्स, एग्जैक्टली टू सेट्स, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स, इसकी वेन डायग्राम। इसको रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते उस तरीके से जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी है उस तरीके से, यहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एग्जैक्टली टू सेट्स, फिर 15 में एलिमेंट्स प्रेजेंट इन At least two sets, ठीक है, and then 16 में elements present in exactly one set। जल्दी से इनकी वेन डायग्राम, कितने लोगों का हो गया, ठीक है, 3 4 5, बाकी के लोग भी जल्दी से बनाओ।
सात ठीक है। यहाँ पे देख लो एग्जैक्टली टू सेट्स, सिर्फ दो सेट्स में होने चाहिए ठीक है, तीन में भी नहीं चलेंगे, सिर्फ दो में होने चाहिए। तो उसकी जो वेन डायग्राम आएगी उसमें ये वाला रीजन आएगा, ये वाला रीजन आएगा एंड ये वाला आएगा। क्या ये बीच वाला रीजन हम ले सकते हैं क्या? नो सर। वो ले लेंगे तो वो एलिमेंट्स तीनों में प्रेजेंट रहेंगे, वो तो हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ दो में प्रेजेंट, जो दो में प्रेजेंट है ठीक है। फिर उसके बाद एटलीस्ट टू मीन्स कम से कम दो में प्रेजेंट। अब उसमें वो रीजन आ सकता है क्या बीच वाला? यस सर है ना, कम से कम दो में प्रेजेंट, इसका मतलब वो तीन में प्रेजेंट होने वाले भी चल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये ए बी सी तो ये रीजन आ जाएंगे, बीच वाला भी आ जाएगा एंड ये तो आएगा। क्लियर है? एंड एग्जैक्टली वन वाले की वेन डायग्राम, एग्जैक्टली वन वाले की, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें ओनली ए वाला आएगा, मींस ये वाला रीजन, ये ओनली ए वाला रीजन है, ये ओनली बी वाला रीजन है और ये ओनली सी वाला रीजन है ठीक है। तो ये रीजन इसमें आ जाएंगे, यही वेन डायग्राम बनी है क्या? ये जो रीजन है ना ये वाला, ये ओनली ए का रीजन है, ये रीजन ओनली बी का है और ये ओनली सी का है। अब लास्ट दो वेन डायग्राम्स हम बनाते हैं, उसके बाद लॉस देखते हैं। और ये वेन डायग्राम हम आगे कार्डिनल नंबर जो पढ़ने वाले हैं ना उसके लिए इम्पोर्टेंट है। कार्डिनल नंबर में बस दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, उसके बाद जितने भी रिजल्ट्स आएंगे उनको हम वेन डायग्राम से जनरेट करने वाले हैं ठीक है। तो उसके लिए पहले वेन डायग्राम बनाना जरूरी है, आना जरूरी है। नेक्स्ट है अब 17th में, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी वेन डायग्राम। एंड 18th में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी की वेन डायग्राम। जल्दी से बनाओ।
बन गए? यस सर। दोनों सेम आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। आगे हम देखेंगे लॉज में, तो पहले इसकी वेन डायग्राम पहले हम बनाएंगे किसकी, ए की। ए की वेन डायग्राम, तो ए का सर्कल आएगा पूरा, ठीक है, ऐसे ये वाला रीजन आ जाएगा उसमें। एंड उसके बाद बनाएंगे किसकी, बी इंटरसेक्शन सी की। तो बी इंटरसेक्शन सी मीन्स कौन सा रीजन, ये ए है, ये बी है, ये सी, ये ए बी सी, तो उसमें ये वाला रीजन आएगा बी इंटरसेक्शन सी मीन्स। फाइनली दोनों का लेना है यूनियन, तो यूनियन मीन्स जो शेडेड रीजन दोनों में से किसी एक में भी अगर आ रहा है तो वो यूनियन में आएगा। तो इसका मतलब एक का तो पूरा रीजन आने ही वाला है, ठीक है। और ये बताओ और कौन सा रीजन आएगा, ये बी इंटरसेक्शन सी का बचा हुआ रीजन। तो ये इसकी वेन डायग्राम है किसकी, ये ए है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, उनके यूनियन की। और जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं पहले ए यूनियन बी की, तो देख लो ए यूनियन बी मीन्स कौन सा रीजन, ये वाला रीजन आ जाएगा पूरा, ठीक है। देन ए यूनियन सी, तो कौन सा रीजन, ये वाला रीजन आ जाएगा, ठीक, ये रीजन है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना था, तो दोनों में जो कॉमन शेडेड रीजन है वो हमें चाहिए। तो जो कॉमन शेडेड रीजन है वो कौन सा आता है, ये देख लो, वो सेम रीजन आने वाला है, ये वाला तो आएगा ही क्योंकि वो दोनों में प्रेजेंट है ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसमें वेन डायग्राम इस तरीके से बनानी है, एक ही में पूरा बनाने की कोशिश मत करना, इसका अलग से और इसका अलग से, और बाद में जो भी करना है वो करेंगे, ठीक है। हो गया? Yes. ठीक है, तो ये हो गया वेन डायग्राम वाला पार्ट, ठीक है। तो डिस्कशन में अगर तीन सेट्स आ रहे हैं तो ये तीन वाली वेन डायग्राम बनेगी, डिस्कशन में दो आ रहे हैं तो दो वाली बनेगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं लॉज के ऊपर। लॉज या प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ सेट्स, तो सबसे पहले है कम्यूटेटिव लॉ। ये नाम हमें बहुत सारे टॉपिक्स में आके देखने को मिलेंगे, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ इसमें ये होता है, अगर मान लो हम ए यूनियन बी लिखते हैं एंड ए एंड बी की पोजीशन अगर चेंज करते हैं यहां पे, तो ये दोनों इक्वल आने वाले हैं। तो इसका मतलब ए एंड बी की पोजीशन चेंज करने के बाद भी ये इक्वल आ रहे हैं, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव लॉ में बस अब क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है और देखना है कि इक्वल आते हैं क्या। अगर इक्वल आ रहे हैं तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा, और अगर इक्वल नहीं आते तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो सेट्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, क्योंकि ए यूनियन बी में अगर ए एंड बी की पोजीशन भी हम चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वेन डायग्राम आने वाली है, या तो ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे होल्ड करता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, अब उसके बाद एसोसिएटिव में ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब दोनों जगह सेम साइन होने चाहिए, ध्यान रखना एसोसिएटिव के लिए. यहाँ पे तो यहाँ पे अभी कौन एसोसिएट हो रहा है, पहले बी यूनियन सी, मतलब बी एन सी एसोसिएटेड है, फिर उसको हम ए के साथ लेंगे. तो हम यहाँ पे पहले ए एंड बी को ले सकते हैं एंड देन यूनियन सी के साथ ले सकते हैं, या तो ए एंड सी को ले सकते हैं देन यूनियन बी के साथ ले सकते हैं. तो ये एक तरीके से एसोसिएटिव लॉ है. पहले जो एसोसिएटेड थे उसको हम चेंज करके बाकी दोनों को भी ले सकते हैं ब्रैकेट में, तो कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेंगे. तो इसमें एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है. ठीक है, ऐसे ही. और ध्यान रखना एसोसिएटिव के लिए दोनों जगह पे सेम साइन होना चाहिए, यहाँ पे यूनियन यूनियन, या तो दोनों जगह इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन. तो यहाँ पे हम ऐसा भी कर सकते हैं ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी, ए एंड सी को एक साथ ले सकते हैं एंड फिर उसके बाद बी. ठीक है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, क्लियर है? यस. सर सर उसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा ना? क्या सर वो सेकंड का ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी आएगा ना? हाँ आ सकता है ना. मैंने क्या बोला, किसी भी दो को तुम एसोसिएट कर सकते हो, बस दोनों जगह पे सेम साइन होना चाहिए, इतना ध्यान रखना. किसी भी दो को ब्रैकेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, यस सर. इन सबको तुम वेन डायग्राम से देख सकते हो. और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है. इसमें अब दोनों जगह अलग अलग साइन होना चाहिए, और इसका हम देख चुके प्रूफ भी वेन डायग्राम से. ये था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, मतलब ये ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी, एंड बीच में क्या आ जाएगा, ये इंटरसेक्शन जो बी एंड सी के बीच का था. तो इस तरीके से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसका रिवर्स भी हमें करना आना चाहिए. ध्यान रखना हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करके क्वेश्चन नहीं बनता है, कभी कभी ये गिवन रहता है और उससे ये लिखना होता है. ठीक है, और ऐसे ही अगर यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन है और यहाँ पे यूनियन है, तो अब ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा बी के साथ एंड ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा सी के साथ, एंड बी एंड सी के बीच में यूनियन है, तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा. क्लियर है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? यस. दोनों जगह अलग अलग साइन होने चाहिए, इंटरसेक्शन यूनियन या तो यूनियन इंटरसेक्शन, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अगर दोनों जगह सेम है तो एसोसिएटिव लॉ. उसके बाद आता है डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ इसमें ये होता है, ए कॉम्प्लीमेंट या तो ऐसे, मान लो हमें लेना है ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए के ऊपर एंड बी के ऊपर, लेकिन इस यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन. तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, इसका उल्टा भी हमें देखना आना चाहिए, कभी कभी ये गिवन रहता तो उससे ये लिखना पड़ता है. और फिर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अगर है, तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन का हो जाएगा यूनियन. ठीक है, तो ये है हमारा डी मॉर्गन्स लॉ.
लिख लिया? यस सर। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। फिर उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ तो इसमें ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ? ए मिलेगा। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ए के साथ लेंगे तो क्या मिलेगा बताओ? यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेट मिलेगा, दिख रहा है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट में और ए में तो कुछ भी कॉमन नहीं रहता है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए को छोड़ के बाकी यूनिवर्सल, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ए फाइव वेन डायग्राम से भी देख सकते हो तुम इनको। एंड देन है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ तो इसमें आ जाता है, अगर तुम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लोगे यूनिवर्सल के साथ तो क्या मिलने वाला है? ए मिलेगा। एंड किसी भी सेट का अगर तुम फाई के साथ यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो ये आइडेंटिटी लॉ है। अगर तुमने किसी भी सेट का यूनिवर्सल के साथ यूनियन लिया तो क्या मिलेगा? यू यू। एंड फाई के साथ इंटरसेक्शन लिया तो फाइव। ठीक है, तो ये हमारे लॉज है, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डी मॉर्गन्स, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। क्लियर है? इसके क्वेश्चन हम कल करेंगे, अभी बस हमारा एक पार्ट बचा हुआ है। कौन सा? कार्डिनल नंबर, थ्योरम्स ऑन कार्डिनल नंबर। ठीक है, तो अब तुम क्या कर सकते हो मॉड्यूल में, FOM 1 की मेरे ख्याल से मॉड्यूल सभी के पास होगी। Yes, तो yes, उस मॉड्यूल में एक्सरसाइज वन में पार्ट वन पार्ट टू दोनों में सेक्शन ए भी लगा सकते हो। तो ये लगाओ, कल इसको मैं डिस्कस करूंगा और कल खत्म हो जाएगा हमारा सेट्स कार्डिनल नंबर के साथ। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। ये लॉस से भी हम कुछ एक दो क्वेश्चन देखेंगे कैसे करते हैं उसको। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। ओके, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय सर।